सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोहिनीज मेल अप को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जब रेस्टोरेंट जैसा घर पे कढ़ाई पनीर बनाया जा सकता है तो रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनीज मेल अप। मैं हूँ मोहिनी सागर और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर की रेसिपी। आई होप आज की मेरी बनाई हुई रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। कढ़ाई पनीर बनाने से पहले हमें कढ़ाई पनीर का मसाला प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, 10 से 15 काली मिर्च के दाने, आधा छोटा चम्मच सौंफ, डेढ़ छोटा चम्मच धनिया। और अब इन मसालों के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से कुछ खड़े गरम मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही साथ एक बड़ी इलायची, तीन हरी इलायची, तीन लौंग और चार से पांच सूखी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अब इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म कर लिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मसालों को 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट तक हमने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है और पहले की कंपैरिजन में आप देख सकते हैं मसालों का कलर चेंज हो चुका है और मसाले बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, मसालों में से खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब मसाला अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के एक पाउडर फॉर्म में प्रिपेयर कर लेना है। और अब दूसरी तरफ हमें प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को हल्का शैलो फ्राई कर लेना है। तो कढ़ाई में मैंने एक बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है और इस स्टेज पे फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटे साइज का प्याज, जिसका छिलका हटा के मैंने इसकी परत को इस तरह से अलग कर लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, इसका बीज हटा के मैंने इसे इस तरह से चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है। उससे ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च के क्रंच को हमें मेंटेन रखना है। तो करीब 2 मिनट तक मैंने प्याज और शिमला मिर्च को शैलो फ्राई कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। और अब इस सेम कढ़ाई में हमें ऐड कर देना है पनीर। तो पनीर मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम और पनीर के मैंने बड़े पीसेस कट किए हैं। पनीर के पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है, तब तक जब तक कि ये हल्का गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो पनीर अब दोनों तरफ से अच्छे से हल्का गोल्डन कलर का हो चुका है, देख सकते हैं आप। और अब हम पनीर को भी निकाल लेते हैं। और अब इस सेम कढ़ाई में हमें कढ़ाई पनीर की फाइनल ग्रेवी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल ऐड करने के बाद से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो इसका कलर और टेक्सचर भी एकदम रेस्टोरेंट टाइप का ही होना चाहिए। मिक्स करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से तेल में। और अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को बढ़ाएंगे, फ्लेम को अब हम लो से मीडियम लो कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से तेल में और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से प्याज के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक जब अदरक लहसुन भी फ्राई हो जाएगा तो एक बार हम इसे चलाएंगे
और अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को चेंज कर लेना है। अब हमें फ्लेम को मीडियम लो से लो कर लेना है। और अब मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और काजू वाला प्यूरी। तो 2 मीडियम साइज का टमाटर और 5 से 6 काजू मिला के मैंने ये प्यूरी प्रिपेयर किया है। काजू को ब्लेंड करने से पहले मैंने उसे आधे घंटे तक पानी में भिगो के रख दिया था ताकि काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के सारे सूखे मसाले। तो हल्दी और मिर्च हमने पहले ही ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक ऐड करने के बाद से अब हम इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई पनीर मसाला। तो ये जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने पाउडर फॉर्म में इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है। तो ये मसाला हमें पूरा ऐड नहीं करना है, इसमें से हम सिर्फ 1.5 छोटे चम्मच ही ऐड करेंगे और बाकी का मसाला मैं एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूंगी। जब भी मुझे कढ़ाई पनीर बनाने का मन होगा तो मैं ये मसाला यूज करके कढ़ाई पनीर प्रिपेयर कर लूंगी। तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है, मसाला आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रख सकते हैं जब भी आपको कढ़ाई पनीर खाने का मन हो। तो प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाइए, मसाला स्प्रिंकल कीजिए और बस कढ़ाई पनीर तैयार। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच पनीर मसाला। पनीर मसाला से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो जरूर ऐड कीजिएगा। ऐड कर देंगे इन मसालों में हम जरा सा पानी, मिक्स करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से और ढक के लो फ्लेम पे हम इन मसालों को 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। और बीच बीच में कढ़ाई का ढक्कन हटा के आपको इन मसालों को चलाते भी रहना है। तो करीब 7 से 8 मिनट तक हमने मसालों को लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और अब आप देख सकते हैं मसालों के सरफेस पे ऑयल ऊज आउट हो चुका है। तो एक बार हम मसाले को चलाएंगे अच्छे से। तो मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम। मिक्स कर लेंगे क्रीम को अच्छे से मसालों के साथ। और अब साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे शैलो फ्राई किया हुआ प्याज, शिमला मिर्च और पनीर। तो ग्रेवी में पनीर ऐड करने के बाद से अब आपको इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि पनीर के पीसेस टूटे नहीं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो जरा सी कसूरी मेथी लेके इस तरह से हथेली पे रब करते हुए डालें ताकि कसूरी मेथी का जो अरोमा है वो रिलीज हो जाए। इसे भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। तो जैसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैं ये कढ़ाई पनीर 3 लोगों के लिए बना रही हूँ और इसकी ग्रेवी को मुझे थिक रखना है क्योंकि मैं इसे सर्व करूंगी रोटी के साथ, इसलिए मैंने इसमें जरा सा पानी ऐड किया है। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसे एक बार अच्छे से और अब इस स्टेज पे आपको फ्लेम को बढ़ा लेना है। अब आपको फ्लेम को लो से मीडियम लो कर लेना है और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे ढक के सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे। तो करीब 5 मिनट के बाद सब्जी बनके एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं सरफेस पे दोबारा से ऑयल लूज आउट हो चुका है और ग्रेवी में एक उबाल भी आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता। मिक्स करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे से सब्जी के साथ, फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप भी घर पे बना के तैयार कीजिए रेस्टोरेंट जैसा कढ़ाई पनीर। आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। सर्व कीजिए इस कढ़ाई पनीर को गर्मा गर्म रोटी, चावल या पुलाव के साथ। रेसिपी अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे आप लाइक का बटन क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल मोहिनी स्मील हब को, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।